emphasis on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. It was as per the MCD
and our proper survey had been done, seeing the conditions at that point of time. और मेरे को जो याद है पिछली बार कमेटी में भी यही बात आपने कही थी और आज आपने दोबारा दोहराई कि आप तीनों कमिश्नर से चाहते हैं कि वो इस चीज को सर्टिफाई करें। कमिश्नर्स का अपने लेवल पे कुछ और कहना था, उस पर भी हम आएंगे। तो एक एक करके कमिश्नर्स से मिलते हैं। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपने क्या कारण है कि पिछले 12 साल से इन 351 सड़कों का नोटिफिकेशन रुका हुआ है और अब पिछले कुछ महीनों से इसके ऊपर थोड़ी और मुझे लगता है सिंसेरिटी आई है। हमें बताया जा रहा है बार बार कि इसके ऊपर दिल्ली सरकार की और एमसीडी के कमिश्नर्स की मीटिंग हो रही है। वो जिस सर्टिफिकेशन की बात करें आपको क्यों नहीं दे पा रहे? ये तो सड़कों का नोटिफिकेशन था, ये सब 2007 से है जब यूनाइटेड नेशंस सर आवाज नहीं आ रही थी थोड़े सा कम कोई बात नहीं आप फिर भी सुनने की कोशिश थोड़ा माइक के लिए बोल वो वो कितना है अच्छी तरह से बोलिए सर 2007 में उस समय यूनाइटेड एमसीडी के कमिश्नर थे अशोक कुमार साहब ने ये प्रस्ताव भेजा था 351 सड़कों का नोटिफिकेशन के लिए श्री विवेक रे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी साहब को। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होता रहा, फिर 2012 में एमसीडी ट्राइफिकेशन मैं थोड़ा
सर चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा था जो बंद कर दीजिए दो तीन चीजों का जवाब दीजिए कि क्या ये सर्वे हुआ था कि नहीं हुआ और हुआ था तो उसके लिए प्रमाण आप दीजिए और दूसरा उसमें आप क्या क्या फैसिलिटी इनके लिए मुहैया करा सकते वो जवाब उनको देना है और उसी के बारे में माननीय जो मंत्री जी ने मीटिंग ली थी उन्होंने भी इसी बिंदुओं का हमसे यही तो बात 23 तारीख को उन्होंने भी कही थी तो बात हुई है कि ये तीन चीजें आपको देनी है तो आप ये बताइए कि क्या आपने ये तीनों चीजें दे दी हैं उनको दिल्ली सरकार को पहले दी है सर और फिर दे रहे हैं सर मैडम ये कह रहे हैं उन्होंने पहले दी हैं ये जो जिस पॉइंट से हमने मांगा है उस पर ऑब्वियसली हैव नॉट गॉट अ सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई इससे चीफ सेक्रेटरी ने सैटरडे को मीटिंग लेकर बिल्कुल क्लियरली बताया जो उन्होंने रिलेट किया चीफ सेक्रेटरी ने वही कहा था बिल्कुल करेक्ट रिलेट किया है कि आप इसका प्रूफ दीजिए कि सर्वे हुआ था ऑथेंटिकेट करिए कि सर्वे वॉज डन प्रॉपरली मैडम इसमें एक सेकंड क्योंकि अभी तक ये चल रहा है वही डिपार्टमेंट तो चल रहा है अफसर तो आते रहेंगे नहीं आप उसी सर्वे को ऑथेंटिकेट करके दे दीजिए ना इनको तो वो तो लग रहा है कि हमारे यहाँ हमारा बहुत सारा जो वो ऐसा रिकॉर्ड है वो कई जगह हुआ वो हो गया बट जो है उसको हम इकट्ठा करके दे रहे आज आजकल जिन्हें लोगों के इतना बड़ा हाल हुआ पड़ा है और आप रिकॉर्ड इकट्ठा नहीं कर पा रहे मुझे कर रहे हैं सर मुझे पिछली मीटिंग में 2 दिन का टाइम मांगा था एक आज आज शाम को सर ने मीटिंग बुला रखी है शाम को 155 जो हमारा अपना 155 संख्या है वो नॉट है जी सर उसका तो दूसरे के पास मतलब नहीं कहीं हो सर जनता तक ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मामला कहाँ रुका हुआ अगर आपके पास रिकॉर्ड ऑथेंटिकेट करना है तो आप इस चीज को कहिए कि हमें करना है और आप इतने दिन में कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते तो आप बताइए कि हम नहीं कर सकते हम हमें इतना समय और चाहिए जो है वो डेफिनेट हम कर रहे हैं सर हमारा हो जाएगा आसान सामने मीटिंग बुला के सब तो नॉट एमसीडी का रिकॉर्ड आज शाम तक मतलब आज है 31 जनवरी शाम तक ऑथेंटिकेट हो जाएगा कल पहुंच जाएगा दिल्ली सरकार के पास हो जाएगा आप ईस्ट एमसीडी से कौन है जी कमिश्नर साहब मैडम इनका रिकॉर्ड जुड़ा है या तीनों का नहीं है सर तीनों का लिया है जी कमिश्नर साहब क्या कर सकते हैं कि वो रिकॉर्ड पूरा हो या आप कहते हैं कि रिकॉर्ड पूरा है देखिए सन 2007 में और जो मास्टरमाइंड रिक्वायरमेंट थी सर्वे करने के बाद उस वक्त जो कमिश्नर थे उन्होंने ये 351 रोड की नोटिफिकेशन के लिए प्रपोजल दिल्ली सरकार को भेज दिया 2007 और उसके तुरंत बाद ये नोटिफिकेशन इशू हो रही जी वो नोटिफिकेशन उस वक्त इशू नहीं हुई मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं इशू और उसके बाद काफी समय बीत गया सर 2016 में फिर दिल्ली सरकार ने कॉर्पोरेशन को कहा कि एक मीटिंग करी और उसके बाद कहा कि ये इस टाइप के और इंफॉर्मेशन दी 2016 जो जिसका मैं जिक्र कर रही थी अपना ही सो मुटू दिया
जो उत्तर दिल्ली सरकार ने अपने आप ऑप्शन मांगी है, तो उससे उससे पहले उसका बीच में कई रिमाइंडर्स हमारे यहाँ चेक किया है रेगुलरली, मेयर जो रिमाइंडर साहब जाते रहे अभी हम जटे एमसीडी का प्रपोजल था ये 351 रोड को नोटिफाई करने का, ठीक है 2007 में प्रपोजल भेजा नोटिफाई हो जाना चाहिए था नहीं हुआ, उसके बाद रिमाइंडर भी भेजे गए कि इसको काइंडली नोटिफाई करें, तो वो तो अब दिल्ली सरकार ही बता सकती है कि और उसके बाद 2016 के बाद भी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है और अभी ये एमसीडी को कहा गया है कि आप ये तो सर्टिफाई करिए कंफर्म करिए कि सर्वे हुआ था प्रॉपरली। और एक महकमा है एनसीडी जिसमें उस वक्त के कमिश्नर थे आज भी कमिश्नर है, ठीक है वो तब भी सरकारी था अब भी सरकारी, अगर उस वक्त के सरकारी अफसरों ने एक सर्वे किया है तो उसमें आपको ऑथेंटिकेट करने में इतना समय क्यों लग रहा है? नहीं देखिए ऐसा है कि क्योंकि सर्वे के समय हम नहीं थे वहाँ, जो सर्वे के समय जो कमिश्नर थे उन्होंने दिल्ली सरकार को लिख के दिया प्रपोजल भेजा वो भी हाउस के अप्रूवल के बाद, ये रोड्स हैं इनका सर्वे किया है मास्टर प्लान के मुताबिक और इनको आप नोटिफाई कर लो और उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं हुए। जो सर्वे भेजा था अपने साथ था क्या? सॉरी जो सर्वे तब भेजा था वो तो के लिए था कि था वो तो कमिश्नर ने कहा है कि सर्वे हुआ है और सर्वे को हाउस ने भी अप्रूव किया है, तो कमिश्नर साहब के लेटर में लिखा हुआ, लेकिन हम तो सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पे जानते हैं क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं है चीफ को सर्वे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उनको ये कंफर्म करना है अपने आप को सर्टिफाई करना है फिर सर्टिफाई करना है, तो वो तो पुराने जो रिकॉर्ड उस समय के जो रिकॉर्ड हैं वो देखने के बाद कर सकेंगे, उसमें टाइम लगेगा। अभी मैं उन रिकॉर्ड देखने के लिए मैंने अधिकारियों को बोला है जब वो रिकॉर्ड मेरे सामने आएंगे और मैं देख लूंगा उसके बाद ही मैं सर्टिफाई कर सकता हूँ। ये समिति आपसे ये जानना चाहेगी कि जो सब चीजें यूडी सेक्रेटरी की तरफ से आपको लिखी गई हैं, क्या उनके जवाब में आपने यूडी सेक्रेटरी को कुछ लिख करके भेजा है अपनी तरफ से कि ये जो सब सर्वे हुआ है मैं उस समय नहीं था अभी मैं हूँ तो मैं उन सब चीजों को पीछे खंगालना चाहता हूँ वो देखना चाहता हूँ वो सब सही है या नहीं है, इस तरह की कोई रिटर्न में भी जानकारी आपने यूडी सेक्रेटरी को दी है? नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खंगालना चाहता हूँ या कोई बात है, तो दिल्ली सरकार ने हमसे जानकारी मांगी है प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का जवाब देना है, वो जब उन प्रश्नों का जवाब मैं मानूंगा रिकॉर्ड देखिए क्योंकि मैं था नहीं उस वक्त मेरी कोई मेरी पर्सनल जानकारी नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के बेस पे जब मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लूंगा तब मैं जवाब दे दूंगा। जो चीज एक बार हाउस में पास रखी है तो फिर उसमें क्या है बिल्कुल नहीं माना जाएगा और अब भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है 15 दिसंबर 2017 को फिर से उन्होंने पास किया है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो आप कन्वर्जन जो भी करें वो कोर्ट में दिखाएं और कोर्ट को बताएं इस तरह से कन्वर्जन आप नहीं कर सकते, कोर्ट को भी दिखाने के लिए मैंने वी हैव टू हैव फुल क्लियर फैक्ट्स नॉट अपीन्स। पुनीत जी आप साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूडी सेक्रेटरी मैडम दो मीटिंग से पिछली बार यही बात कह रही हम लोग ये कंफ्यूजन मिट जाए क्या वो सर्वे ऑथेंटिकेट करके आपने इनको दे दिया है? सर जैसा कि बाकी दो कमिश्नर सर ने भी बताया 2007 में सर एक हाउस का रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें 351 रोड्स को कॉमर्शियल या 50 SS में
नोटिफाई करने के लिए एक प्रपोजल प्रॉपर हाउस से अप्रूव होकर यहाँ आया। वो प्रपोजल जो हाउस में गया उसका एजेंडा वगैरह सब हमारे पास है। सर उससे पहले 2183 वोट और 355 वोट्स का नोटिफिकेशन भी इसी तरह की इंफॉर्मेशन के ऊपर दिल्ली सरकार से गया। तो सेम हाँ उसी समय उसके कुछ एक दो महीने पहले 90 दिन के अंदर अंदर ये पार्ट पार्ट में उसी समय का 351 का रुका हुआ है। 351 का लास्ट लॉट जी। और उसके बाद ये कुछ कारणों से शायद ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या जो भी कारण है उस कारण से दिल्ली सरकार ने प्रोसेस नहीं रखा 2007 में। उसके बाद कई रिमाइंडर्स हमारे पास पुलिस ने किया। अगर सर मैं कंप्लीट 11 12 13 14 15 हर साल लेटर जाते रहे सीएम मिसेस दीक्षित को लेटर रहे विजय सीएम अनिल सीएम को भी लेटर आए लीडर ऑफ हाउस की तरफ से। मगर 2016 में ये बताया गया कि 351 वार्ड में कमिश्नर्स को ये अब सर्वे हुआ है नहीं प्रॉपर वहाँ ओपन स्पेसेस हैं या नहीं ये सब चीज़ें ऑथेंटिकेट करनी ये बताएं प्रमाणित करनी। इससे पहले कभी इस तरह जो इसके अलावा 2500 वोट्स का करीब हो गया वो कभी नहीं पूछा। तो ये केवल हाउस क्योंकि ट्राइफर्केशन भी हो गया और ये सारा जो सर्वे है सर ये जोन्स में हुआ है और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल जोन्स में है। एमसीडी में ट्राइफर्केट हो गया और इस बीच में जोन्स की भी बाउंड्रीज काफ़ी इसमें चेंज हुई। तो हमने ये रिप्लाई बना के ये भेजा था ये तो जब हमने इसकी मई 2016 में रिप्लाई दी ऑब्वियसली दिल्ली सरकार उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है। तो अभी जो हमें एक लेटर अभी हमारे लास्ट 27/1/2018 देखिए मैं इस बात को समझ गया क्या हो रहा है कि यूडी सेक्रेटरी आपके सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है ये कह रही है कि 2007 में हुआ था आप तीनों तो सेटिस्फाइड है आप सर्टिफाई करके दे दो कि हम सेटिस्फाइड है आप नहीं हो तो ये अपने आप सेटिस्फाइड है। वो जो सर्वे क्योंकि जो हाउस का रिजोल्यूशन मैं ये जानना चाहता हूं अनिल जी क्या यही सेटिस्फाइड नहीं है उस सर्वे से या आप तीनों भी नहीं है। अगर आप तीनों है तो आप सर्टिफाई करके दे दो। ये हमारे चीफ टाउन प्लानर है जिन्होंने ये पूरा सर्वे इंपॉर्टेंट है ये तो पूरा जानते हैं बताइए जी साहब सर ऐसा है मार्च 2006 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था और मॉनिटरिंग कमेटी को पावर दे दी थी कि आप सीलिंग करो सीलिंग चालू हो गई थी 7/7/2006 को मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि आप उसको सर्वे करो और नोटिफाई करो। 15/9/2006 को हमने दिल्ली गवर्नमेंट में भेजी 4 दिन के अंदर हमने ये सारी की सारी रिपोर्ट नोटिफाई करवा ली 1183 को दिल्ली गवर्नमेंट में रात दिन काम हुआ। उसके बाद मास्टर प्लान आया 7/2/2007 को जो मास्टर प्लान आया उसने 90 दिन का टाइम दिया कि 90 दिन के अंदर आप और सर्वे नोटिफाई करो और सर्वे करो दिल्ली गवर्नमेंट भेजो। हमने जो है 12/4/2007 को 355 रोड और नोटिफाई कराया प्रोसीजर था। 4/5/2007 को हमने 307 रोड स्टैंडिंग कमेटी से पास करके अपने काम पास करके दिल्ली गवर्नमेंट के तरफ भेज दिए। अब हमारे पास 3 दिन का टाइम होता था सर 90 दिन पूरे होने में तो 7/5/2007 को हमने 44 रोड जो है दिल्ली गवर्नमेंट भेज दिए। जो 2183 रोड और 355 रोड जो हुई थी उसमें किसी तरह का विदाउट कंडीशन हुई थी वो सारी उसमें किसी तरह की कोई कंडीशन इम्पोज नहीं हुई। ये तो फ्लाइट से मांगा गया तो इस तरह का ऑथेंटिकेशन अभी मांगा जा रहा है। हां इस तरह का नहीं मांगा गया, मांगा गया। अभी कुछ कोई कंडीशन इंपोज नहीं हुई सर। 4/5/2007 को भेजी गई जहां तक सर्वे की बात करते हैं सर्वे जो है स्टैंडिंग कमेटी में साफ साफ लिखा हुआ है पुरानी यूजर की सर्वे की बात हो रही है 2183 और 355 वोट की हो रही है ये इनकी नहीं हो रही जो हमने भेजे हुए हैं। ये 2183 और 355 रोड में 122 रोड का की प्रॉब्लम थी वो अप एंड डाउन हुई वो भी 307 रोडों में लगा दी भेजी गई है क्योंकि वो नोटिफाइड थी इसलिए वो नंबर में ऐड नहीं होगी वो भी अमेंडमेंट हमने लगा के भेजी है। 122 में 20 रोड करके एजेंडा इसमें भेजा हुआ
जहां तक हमारा हमारे लेवल का सवाल है, हमने 11/3/2011 एक बजे हम ना देखे ना हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, सत्यापन कर दे आप नहीं बोलेंगे। तो हमारी कमेटी ये जानना चाहती है कि तीनों कमिश्नर्स ये कल क्यों नहीं सत्यापित कर लेते कि ये सर्वे हुआ था, परसों तक नोटिफाई हो जाएगा। सत्यापित करने में तीनों कमिश्नर्स हमें ये बताएं कि वो क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं बता रहे, आप क्यों नहीं कर रहे। सर हम तो ये तो आज ही सत्यापित कर सकते हैं, जैसा श्रीराम जी ने बताया कि हाउस के रेजोल्यूशन के बेसिस पे ऑन दैट इफ दैट कंडीशनल सत्यापन इज एक्सेप्टेबल हम लोग आगे चलेंगे। मगर इसका मतलब we have to dig out every report of the 351. You have to be satisfied. We will say that we are satisfied based on the house resolution. आप एक बात समझिए, जो भी कोई ऊपर का अफसर किसी चीज पर साइन करता है वो जाहिर सी बात है वो इन्फॉर्मेशन नीचे के अफसरों से आती है, और वो ऊपर वाला अफसर तो सारी एक एक रोड पे जाके चेक नहीं करता। आपका डिपार्टमेंट नीचे से ऊपर तक भेज रहा है, आपको एक पूरा उसके ऊपर कमिश्नर होने के नाते आप कहेंगे कि आई सही है और हम भेजते हैं, फिर हम मैडम से बात करेंगे कि मैडम आप उन्होंने भेज दिया, फिर आप क्यों करेंगे। पुराने
सारे दस्तावेज जब मैं देख लूंगा, जो कि अभी मेरे पास नहीं लाए गए हैं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। आप कमिश्नर हैं, आपका अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं लाए गए? तो पुराने डॉक्यूमेंट हैं, 10 साल पुराने डॉक्यूमेंट हैं, तो उसके बाद लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, तो अभी जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ट्रेस नहीं हुए हैं, तो वो प्रोसेस चल रहा है। तो जब मैं देख लूंगा तभी तो सर आप इस बात को तो मानिए ना, डॉक्यूमेंट अगर मैं उस सर्वे के समय उपलब्ध होता। सर्वे रिपोर्ट्स आर सपोज्ड टू बी पोजेशन ऑफ एमसीडी। यस दैट्स इट। देन गायब हो गया वहां से? नो आई डोंट नो। सी आई मीन सी इफ यू आर आस्किंग फॉर एन ओल्ड रिकॉर्ड इट मे टेक टाइम। नहीं वो अधिकारी आपके है, आपके अंदर काम करेंगे, आपको मंगा देंगे। मुझे जो पहले की थी वो उन्होंने 4 दिन में कर दी, अरे 351 रुपए लगने पड़े। तो ये रिकॉर्ड्स ना मिले ना होगा काम? नहीं तो मैं तो ब्रीचर्स तो नहीं कर रहा हूं, इस चीज को रिकॉर्ड तो अगर है तो मिल जाएगा। कब से खोज रहे हैं? साउथ जोन में जब से ये परसों जो मीटिंग हुई थी उसके बाद। कैसे सर साउथ एनसीडी में सेंट्रल जोन में सर उन्होंने चेक किया और वो उपलब्ध हुआ, उसी तरीके से जिन लोगों ने सर्वे किया कल उसी हिसाब से वेस्ट में कुछ रिकॉर्ड तो साउथ जोन में कुछ रिकॉर्ड। आप जानना चाहते हैं मैडम आपसे, आप 2 दिन दे दीजिए, ठीक है? 2 दिन में जो देने आपको ठीक है आप वैसा का वैसा दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही ने अपने आप देखेंगे जो हाउस रेजोल्यूशन है वो, ऐसा भी तो कर सकते हैं। जो रेजोल्यूशंस के पास होते हैं जैसे उसको भेज सकते हैं आप, गवर्नमेंट को भेज देते हैं सेंस ऑफ द हाउस के लिए। अच्छा ये 2 तारीख को मीटिंग आ रही है अथॉरिटी मीटिंग, पता ना? तो जो कुछ भी आपको डीडीए से चाहिए, जो भी आपको डीडीए से चाहिए, क्या आपने उसकी तैयारी कर ली है? अथॉरिटी मीटिंग के अंदर एज ए मेंबर अथॉरिटी मैं इस मुद्दे को उठा सकूं, एमसीडी को जो कुछ भी डीडीए से रिलीफ चाहिए टू गेट दिस सीलिंग स्टॉप इन दिल्ली, have you prepared that? Are you ready for that? Move करा दिया agenda में? जी सर हमने तो आज ही कर दिया है, जो तैयारी कर दी कल तैयारी। मिनट्स हमारे पास आगे रोटी साहब के पास नहीं पहुंचा। हम तो सर जनपद थे स्पेशल पहले आपको, तो कृपया करके कल तक, क्योंकि मैं इसको लगाना चाहूंगा अथॉरिटी मीटिंग के मिनट्स एजेंडा में, जो कुछ भी रिलीफ आपको स्पेसिफिक डीडीए से चाहिए सीलिंग जैसे मुद्दे को रोकने के लिए दिल्ली के अंदर, आप उन आइटम को दे दीजिए मुझे, कल तक मिल जाएगा।